तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने चैनल को कैसे कस्टमाइजेशन करना है आपको। जैसे आप हमारा चैनल देखते होंगे आशा टेक फाउंडेशन यूट्यूबर प्रो हेल्थ बी आर एजुकेशन सेंटर, तो सारा हमारा चैनल कस्टमाइजेशन है, बहुत अच्छे से नंबर बाय नंबर हम इस चैनल पे लगाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कैसे अपने चैनल कस्टमाइजेशन करने के बाद आपका चैनल कैसे शो करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और एक प्यारा से कमेंट करना। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना चैनल ओपन कर देता हूँ, मैं एग्जांपल दिखा दूंगा तो आप भी अच्छे से समझ जाएंगे। गाइस मोबाइल स्क्रीन आपको साइड में दिख रही होगी, तो आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है, यहाँ मेरे चैनल का नाम आप सर्च करना है आशा टेक फाउंडेशन, आशा टेक ये आ गया है। यहाँ लोगों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक वीडियो लगी हुई है, ठीक है। ये वीडियो इसलिए लगाई गई है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आएंगे सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखेगी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फॉर यू पे बहुत सारी वीडियो लगाई गई है, ये देखिए इसको बोलते हैं अपने चैनल का कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, यानी चैनल कस्टमाइजेशन। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए वीडियो शो कर रही है, ये फोन में कम अच्छा दिखता है, अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे आएंगे देखिए टॉप वीडियो यहाँ आपकी शो करेगी, यहाँ देखिए हमारा प्लेलिस्ट शो करेगी, देखिए YouTube का कंप्लीट कोर्स, तो इस चैनल पे आपको YouTube का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और नीचे आएंगे हमारी एक दूसरी प्लेलिस्ट लगी है Facebook का कंप्लीट कोर्स, जैसे आपका YouTube का कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम Facebook के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाएंगे। नीचे आएंगे यहाँ देखिए एक हमारी और प्लेलिस्ट लगी है न्यू अपडेट यूट्यूब, जो यूट्यूब का नया अपडेट आएगा इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। तो मेरे चैनल से भी तीन ही प्लेलिस्ट अभी तक बनी है, यहाँ देखेंगे हमारा चैनल वीडियो एडिटिंग चैनल, एजुकेशन चैनल, बीपीएक्स चैनल, और नीचे देखिए शो करेगा हमारा शॉर्ट वीडियो। तो ये हो गया हमारा चैनल कस्टमाइजेशन। तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ आप अपने चैनल कस्टमाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा दिया हूँ जिस तरह मैं अपने चैनल कस्टमाइजेशन किया हूँ आप इसी तरह कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है करना, आपको क्रोम पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है YT स्टूडियो लॉगिन, YT स्टूडियो लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए लॉगिन फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, ये क्या होगा आपका डायरेक्ट चैनल क्रोम में ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, बस थोड़ा वेट करते हैं, ये देखिए खुल गया है। यहाँ देखेंगे एक पेंसिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे क्लिक कर देना है, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ देखिए खुल गया चैनल कस्टमाइजेशन, और यह फाइल और होम टैब पे क्लिक करके दिखा देंगे। ये देखिए मैंने एकदम नंबर से सब चीज सेट किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ, फिर होम टैब के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल में क्लिक करना है, अगर आप अपने चैनल का बैनर बनाना चाहते हैं, अगर आपको रेशियो नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए हमारे चैनल का रेशियो यहाँ दिया गया है, यहाँ रेशियो दिया गया है और 6 MB का आपका बैनर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस बैनर को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज का ऑप्शन, चेंज पे आपको क्लिक करना है और गैलरी में जाके उस बैनर को यूज कर लेना, ठीक है। और यहाँ देखिए लोगो दिया गया है, ठीक है, लोगो का रेशियो भी यहाँ दिया गया है 98:98 और 4 MB का आपका लोगो होना चाहिए। अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पे क्लिक कर दीजिए और गैलरी खुल जाएगी, जो लोगो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नेम है और यहाँ आपके चैनल का नाम लिखा है, आपके चैनल का हैंडल दिया गया है और ये आपके चैनल डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे आप देखेंगे चैनल URL, आपके चैनल ये URL है। नीचे देखेंगे लिंक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारे इंस्टाग्राम क्या है और यूट्यूबर बॉय हेल्प चैनल का भी यहाँ लगा हुआ है और हमारे BR एजुकेशन चैनल का यहाँ लिंक लगा है, ठीक है। यहाँ पे आप 5 लिंक लगा सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हैं आप, या आप इस टेलीग्राम पे लगा सकते हैं, ट्विटर पे लगा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ 5 ही लिंक लगेगी, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड पे, यहाँ पे आप जो जो चीज यहाँ लिखना चाहते हैं, अगर फेसबुक लिंक लगाना है फेसबुक लिख देना है, अगर इंस्टाग्राम पे लगाना है इंस्टाग्राम लिख देना है, टेलीग्राम पे लगाना चाहते तो टेलीग्राम लिखना है, ठीक है। जैसे मैं अपने चैनल पे लगाना चाहता हूँ तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ BR Education Center, तो यहां से कट कर देता हूँ
अपने चैनल नाम सर्च कर लेता हूँ, कहाँ पे लिंक करना है, तो बी आर ए एजुकेशन सेंटर सर्च कर देता हूँ। मुझे चैनल लिंक कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये देखिए कॉपी कर लिया हूँ। अब मुझे कट करना है यहाँ से, और यहाँ पे आप जाके मुझे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गई है, तो आप भी इसी तरह लगा सकते हैं। और यहाँ देखें कंटेंट इन्फो लिखा है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ एक हमारे जीमेल पर ही हुई है, ये जीमेल स्पॉन्सरशिप के लिए है, ठीक है। ये हो गया है, तो आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ लोगो शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तीन चीज आपको दिया जाता है, जैसे एंड ऑफ वीडियो, अपने वीडियो के लास्ट में लोगो लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे कस्टम स्टार्ट टाइम, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपकी जब वीडियो शुरू हो जाएगी 5 सेकंड बाद आपका लोगो शो करेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे दिया गया, अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, तो ये क्या होगा, आपके पूरे वीडियो में लोगो दिखेगा। जैसे हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए छोटा सा लोगो शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, ये सब चीज करने के बाद यहाँ देखिए पब्लिश कर देना है। प्रोफाइल को हम अच्छे सेट कर दिए हैं, अब आता है होम टैब। जैसे अभी मैं आपको दिखाया था तो कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये सारा चीज मैं डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ से सारा चीज डिलीट कर दिया हूँ, अब मैं जैसे जैसे करूंगा आपको भी ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऐड सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ देखिए 15 चीज दी गई है, तो इसमें से आप 12 चीज ही लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चैनल ट्रेलर, यहाँ पे आप चैनल ट्रेलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मैं वीडियो लगा दूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो ये वीडियो आपको शो करेगी, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको जो वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं वॉच टाइम पे लगाना चाहता हूँ, ये लग गई है, ठीक है। फिर आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, ये देखिए स्पॉट लाइट फॉर्म रिटर्निंग सब्सक्राइबर, ये क्या होता है, मैंने आपके चैनल सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन जब मैं दोबारा जाऊंगा तो यहाँ जो आप वीडियो लगाएंगे वो वीडियो मुझे दिखेगी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई से वीडियो लगा सकता हूँ। हाँ, यहाँ से एक चीज और आप जान लीजिए, अगर यहाँ से आप लगाएंगे तो अपने भी चैनल की वीडियो लगा सकते हैं, किसी और चैनल की वीडियो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपकी चैनल वीडियो शो कर रही है। और अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, बस यहाँ अपने चैनल का नाम सर्च करना है, आप दूसरे भी चैनल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ यूट्यूबर बॉय, यूट्यूबर बॉय हेल्प, यहाँ मैं सर्च कर दिया हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे दूसरे चैनल के वीडियो आ रही है, ठीक है। मेरी भी चैनल वीडियो आ रही है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो मुझे जैसे ये वाली वीडियो लगाना है, तो ये वाली वीडियो में क्लिक किया, ये देखिए वीडियो हमारी लग गई, ये हमारे दूसरे चैनल के वीडियो है, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब फिर आपको ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है, जो चीज आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ देखेंगे वीडियो है, टॉप वीडियो है, तो मैं वीडियो लगाना चाहूंगा, इसका क्या फायदा होगा, जैसे मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा मेरे जो सब्सक्राइबर हैं तो सब उनको ऊपर शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए जो मेरी नई वीडियो आएगी, जैसे अभी मैंने लाइव समाप्त किया हूँ, ये देखिए लाइव वीडियो हमारी शो करेगी, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले यहाँ शो करेगी नई वीडियो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, मैं टॉप वीडियो लगाना चाहिए, टॉप वीडियो पे क्लिक कर देना, बस क्लिक करते जाना है, आपको लगता चला जाएगा, ठीक है। टॉप वीडियो के बाद मैं फिर क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए आप शॉर्ट वीडियो लगाना चाहते हैं, लाइव वीडियो, ये सब लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी प्लेलिस्ट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंगल प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, जो चीज लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरी 3 प्लेलिस्ट है, चलिए मैं सबसे पहले मैं लगाऊंगा यूट्यूब का कम्प्लीट कोर्स, यहाँ क्लिक कर दिया। फिर अगर आपको लगाना है, यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर सिंगल प्लेलिस्ट में क्लिक कर देना है, फिर मैं यूट्यूब, फिर यहाँ से मैं फेसबुक का कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट लगाना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक कर दी, ये देखिए लग गई, ठीक है। यहाँ देखेंगे यूट्यूब का कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट लगा दी हूँ, फेसबुक का कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट लगा दिया हूँ। अब मैं लगा देता हूँ फिर से एक प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आपके लिए सिंगल प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना है, तो ये देखिए मेरा न्यू अपडेट, ये देखिए लग गई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ देखिए जो जो लगता जाएगा यहाँ देखते जाना है, यहाँ देख क्रिएटर प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, और देख मल्टी प्ले प्लेलिस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी चैनल जितनी प्लेलिस्ट होगी यहाँ शो करने लगी, देखिए शो करने लगा है, ठीक है।
तो यहां से कोई सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए यहां से डन कर देना है। तो ये देखिए हमारा चैनल लग गया है यूट्यूबर बॉय हेल। फिर आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, जो चीज ऐड करना है उस ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, जो चीज लगाना है वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर चैनल पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ मैं अपने चैनल नाम लिखूंगा, मैं एजुकेशन वाला चैनल लगाना चाहता हूँ तो एजुकेशन नाम दे देता हूँ। यहाँ देखिए सेक्शन टाइटल लिखा है, जो यहाँ आप नाम देंगे जिस कैटेगरी का आपका चैनल होगा यहाँ लिख देना, फिर यहाँ चैनल का नाम सर्च कर लेना है, ठीक है। बी आर ए एजुकेशन सेंटर, ये देखिए ऊपर वाले क्लिक कर दिया हूँ, नीचे आके आपको डन कर देना है। तो यहाँ देखिए मेरा दो चैनल लग गया है, एक मेरा और चैनल है बीपीएक्स, तो फिर ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, फीचर्ड चैनल पे क्लिक करना है, यहाँ नाम दे देता हूँ बीएपीएक्स चैनल, और यहाँ चैनल का नाम सर्च कर देता हूँ मिथलेश माइजिक बीपीएक्स। यहां देखिए आ गई, यहां पे क्लिक कर देता हूं, यहां पे डन पे क्लिक कर देता हूं, ये लग गया है। फिर ऐड फीचर पे क्लिक करूंगा, अब मैं नीचे सबसे नीचे में शॉर्ट वीडियो लगाना चाहता हूं, ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए शॉर्ट वीडियो नीचे लग गई है गाइस। तो आप क्या करना है, आप देखिए आप मैं आपको बता दे, आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पब्लिश कर देना है। तो गाइस इस वीडियो में आपको बता दिया हूं अपने चैनल को कस्टमाइजेशन कैसे करना है, कस्टमाइजेशन करेंगे तो आपके चैनल का एसईओ हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा से कमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।